हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे आप सब, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ आप लोगों की दुआ से। तो दोस्तों, आज जिस गाने का मैं रिएक्शन लेके आई हूँ वो है मेरी पसंद का। ये मैंने खुद को सजेस्ट करा है, मैंने कमेंट तो नहीं करा लेकिन मैंने खुद को ये गाना सजेस्ट करा है क्योंकि मैं चाहती थी कि आप लोग ये भजन सुने। ये भजन है और ये बहुत ज़्यादा प्यारा भजन है। आप लोग सुनोगे ना, जिसकी लिरिक्स है ना उसको सुनना। आज ये पहला ऐसा रिएक्शन होने वाला है कि जो मैं गाना पहले ही सुन चुकी हूँ। कसम से मैंने आज तक जितने भी राणा जी के साथ भी मैंने जितने भी रिएक्शन करे हैं, हमने कोई भी वीडियो आज तक नहीं देखी। हमारा फर्स्ट टाइम रिएक्शन होता है। हम कभी भी ऐसा नहीं होता कि पहले वीडियो देख चुके होते हैं उसके बाद हम बैठ के रिएक्शन करते हैं। हम लोग जो कुछ भी देखते हैं आप लोगों के सामने बैठ के देखते हैं। जो कमेंट आप लोग करते हैं हम उसके ऊपर रिएक्शन करते थे। अगर आप बोल देते हो कि ये गाना अच्छा नहीं है तो हम उसका रिएक्शन नहीं करते। अगर आप बोल देते हो कि गाना अच्छा, ये वीडियो अच्छा, अब इस पर रिएक्शन करें तो हम कर देते थे। लेकिन ट्रस्ट मी, देखते हम आपके साथ ही थे। लेकिन ये गाना ऐसा है जो मैं पहले सुन चुकी हूँ। मैंने सारा दिन ये गाना ही सुना है और मुझे बहुत प्यारा लगा। ये भजन बहुत प्यारा है। मैं चाहती थी कि आप लोग भी सुने मेरे साथ मेरी पसंद का। आप लोगों को भी पता लगे कि मेरी पसंद कैसी है और मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी पसंद कैसी है, आप लोगों को ये भजन अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा। तो जल्दी जल्दी भजन स्टार्ट करते हैं, एंजॉय करते हैं, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले बता दूँ, भजन का नाम है राम आएंगे और जो सिंगर हैं जिनकी आवाज़ है वह है स्वाति मिश्रा। तो जी, मुझे तो लग रहा है ये जय किशोरी की कथा, मतलब जो जय किशोरी के आप लोग जानते होंगे कथावाचक हैं, वो कथा सुनाती हैं। तो उन्होंने ये कथा में गाना सुनाया था, भजन सुनाया था, लेकिन इसका इन्होंने वर्जन निकाला है। स्वाति मिश्रा, इन्होंने अपनी आवाज़ दे के इस भजन को सुनाया है। तो भजन सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। हो मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी,
माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी, प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। ये इतनी प्यारी आवाज़ है स्वाति मिश्रा की, मैं सच्ची दिल से बोल रही हूँ दोस्तों, मैं कल से ये भजन सुन रही हूँ और मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसा लग रहा होगा, लेकिन जब मैं भजन सुनती हूँ ना, मैं अपने आप को रोक नहीं पाती गाना गाने से। मेरा मन करता है कि मैं भी गाऊँ, साथ के साथ गाती रहूं, लेकिन यहाँ पे तो मैं बहुत मुश्किल से कंट्रोल करके बैठी थी, क्योंकि फिर आप लोग बोलते हो कि आपकी इतनी अच्छी आवाज़ नहीं है, आपने ना सारा मूड ख़राब कर दिया, प्लीज़ हमें उसको ही सुन लेते, इसलिए मैंने नहीं गाया। फिर आप लोगों को बुरा लग जाता है कि आप मत गाया करें नेहा, मुझे पता है मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, लेकिन मेरा मन करता है यार। बहुत अच्छे अच्छे भजन होते हैं ना जो बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ गाने बहुत टची टची से होते हैं, बहुत मतलब दिल को लगने वाले भजन था ये, बहुत प्यारा भजन था, बहुत अच्छा था। और जो टाइमिंग है ना दिवाली के टाइम पे जो भजन आया यार, माशाल्लाह बहुत मज़ा आ गया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोगों को ऐसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप लोगों को ऐसे ऐसे भजन और चाहते हो कि मैं रिएक्शन लेके आऊँ जो मैंने नहीं सुने हो लेकिन आप लोगों के फेवरेट, तो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं पक्का उनका रिएक्शन लेके आऊँगी। और मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली। मैं चाहती हूँ कि जैसे इस साल आपकी ज़िंदगी में दिवाली आई, हर साल ऐसी खुशियों से भरा आपका ये साल रहे, हर साल आपकी ज़िंदगी में ऐसी अच्छी अच्छी दिवालियाँ आती रहे, खूब मिठाई बांटे, खूब तैयार हो, खूब पूजा करें अपने देवी की, लक्ष्मी माता को खूब मनाएँ, और पटाखे कम से कम जलाएँ ताकि प्रदूषण ना हो और आप लोगों के बच्चे और आप लोग सेफ रहें। कोई मतलब ऐसे बच्चे पटाखे ना जलाएं जिससे आप लोगों को कोई हार्म हो जाए। तो जी मेरी तरफ से तो यही था, मुझे भजन बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर करती हूँ, खत्म, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय।